मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में देसी शराब की हो रही तस्करी के दौरान राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा जाल बिछाकर देसी शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया, जिसकी वाहन समेत कुल 63,25,000 कीमत बताई जा रही है। राज्य उत्पादन शुल्क के आयोग के आदेशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क द्वारा गश्त की जाती है। गश्त के दौरान राज्य उत्पादन शुल्क को जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में बेचने के लिए अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही थी। इस जानकारी के आधार पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा जाल बिछाकर शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया, जिसमें देसी शराब का जखीरा जिसकी कीमत 38,02,000 और वाहन की कीमत मिलाकर कुल 63,25,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। आता सध्याच्या कालावधी माननीय आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क श्री कांतीलाल उमप साहेब व माननीय संचालक वर्मा मॅडम यांच्या आदेशाने व विभागीय उपायुक्त श्री वर्दे साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार विभागीय भरारी पथक नागपूर या विभागाने नागपूर जिल्ह्यात तसेच विदर्भामध्ये सतत गस्त घालून कारवाई करत आहे। परंतु परवा दिवशीच्या काळामध्ये आम्हाला एक लॉकडाऊन परवा दिवशीच्या काळामध्ये एक अशी गुप्त खबर मिळाली की मध्य प्रदेश निर्मित व मध्य प्रदेशात विक्रीकरिता मुद्देमाल हा महाराष्ट्र राज्यातून वाहतूक केला जाणार आहे अशी गुप्त खबर मिळाल्याने आम्ही पांडुर्णा सावनेर नागपूर रोडवर सापळा रचला असता त्या सापळ्यामध्ये एक वाहन गुप्त खबरात मिळाल्यानुसार त्या एक 12-चाकी टाटा कंपनीचा 12-चाकी वाहन मोठा ट्रक येत असल्याची जसे काही खबर मिळाली आम्हाला त्या खबरीनुसार आम्ही सापळा रचला व तो वाहन काल रात्रीच्या सुमारास तो येत असताना दिसला तो आमच्या कर्मचाऱ्यांनी ते वाहन थांबवले। सर वाहन थांबवले असता वाहनामध्ये तपासणी केली असता देशी मद्याचा साठा आढळून आला। देशी मद्याचा साठा आढळून आला तो आहे तो मद्याची तपासणी केली असता तो मध्य देशी मद्याचा साठा हा मध्य प्रदेश निर्मित व मध्य प्रदेशामध्येच विक्रीकरिता असा त्याच्यावर लिहिलेले असत मिळून आला। त्यानुसार आम्ही सदर वाहन ताब्यात घेतले। वाहनासोबत दोन एक चालक आणि एक क्लिनर असे दोन इसम होते त्या इसमांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। ये शराब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के कोड़ा जिला चंद्रपुर में यह मुद्देमाल बेचने के लिए लेकर जा रहे थे, ऐसी जानकारी आरोपी द्वारा पुलिस को दी गई है। इस मामले में राज्य उत्पादन शुल्क द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।